हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो इन पांच बातों का ध्यान रख लेना। सबसे पहला पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट है मेरा कि आपका मोटिव क्या है यूट्यूब पर आने का। मोटिव इन द सेंस मतलब आप उसको पार्ट टाइम करना चाह रहे हो या फुल टाइम उसको करना चाह रहे हो या उसको अपना करियर बनाना चाह रहे हो। मतलब मोटिव आपका एकदम क्लियर होना चाहिए यूट्यूब पे आने का, तभी आप अपने चैनल को ग्रो कर पाओगे। क्योंकि कुछ लोग आते हैं अच्छा मोटिव लेकर के यूट्यूब पर, लेकिन जब उसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि यूट्यूब चैनल तो कोई भी क्रिएट कर लेता है। आए दिन मैं बताता हूँ आपको, लाखों चैनल क्रिएट होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ग्रो होते हैं, क्योंकि उन्होंने ठान लेते हैं वो, क्योंकि उनका मोटिव ही होता है कि उनको अपने चैनल बहुत जल्दी से जल्दी ग्रो करना है और अच्छा खासा अर्निंग हमें करना है। वो शुरू तो करते हैं पार्ट टाइम से, लेकिन जब उनको दिखता है कि हम ग्रो कर रहे हैं तो वो अपना आपको फुल टाइम इसके अंदर लेकर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपका जो निश है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लियर एंड कट, मतलब आपको किस कैटेगरी में जाना है। बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिसमें आप वीडियोस बना सकते हैं, जैसे रोस्ट है, एंटरटेनमेंट है, या शेरो शायरी है, या टेक्निकल से रिलेटेड है, या बहुत सारे ऐसे नीच हैं जिन पर आप वीडियो बना सकते हो। तो आपका जो ये नीच है ना एकदम क्लियर होना चाहिए कि मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, दैट्स इट। एक बार मैं और बताता हूँ आपको, अगर जो आप टेक्निकल नीच चुन लेते हैं, टेक्निकल पे वीडियो बनानी, तो आपको यहाँ पर डेली अपडेट देना पड़ेगा। मतलब दिन में एक वीडियो या दो वीडियो तो डालनी पड़ेगी, तभी आपके पास टेक्निकल ऑडियंस आएगी। और मैं आप अगर जो बात करूँ एंटरटेनमेंट की, उसका तो ऐसा होता है कि आप वीक में एक वीडियो डाल दो, 10 दिन में एक वीडियो डाल दो। अगर जो अच्छा कंटेंट आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, अगर जो आप एक महीने में एक वीडियो डालोगे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड और बहुत अच्छा कंटेंट आप लेकर आओगे एक महीने में, तो आपकी ऑडियंस वेट करती है कि कब इसकी वीडियो आएगी, कब हम इसकी वीडियो देखेंगे। ये थी एंटरटेनमेंट की बात। तीसरा पॉइंट है कि आपको कंटिन्यू रहना है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप YouTube पर आ गए, अपने चैनल क्रिएट कर लिया, 5 से 7 वीडियो डाल दी, 10 वीडियो डाल दी और आप फिर छोड़ के चले गए, या फिर अगर जो टेक्निकल में है तो मतलब आज वीडियो डाल दी या एक हफ्ते वीडियो डाल दी, उससे काम नहीं चलेगा। आप अगर जो कंटिन्यूटी में काम करोगे YouTube के अंदर, तभी आप अपने चैनल को ग्रो कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास जो मतलब यूट्यूब पे आते हैं, बहुत सारे मेरे को कमेंट्स भी करते हैं कि हमारा चैनल ग्रो कर दो, हमारा चैनल ग्रो कर दो। लेकिन जब मैं उनके चैनल पर जाकर देखता हूँ ना, तो मैं बता दूँ आपको कि 2 से 3 वीडियो पड़ी होती हैं, और मतलब हाल ही में उनके चैनल क्रिएट हुए होते हैं, मतलब विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ। तो वो चाहते हैं कि ग्रो करना, लेकिन ग्रो ऐसे नहीं होता। मतलब आज की जनरेशन की अगर जो मैं बात करूँ, तो वो चाहती है कि हमने 5 वीडियो डाल दी और बस हमारा चैनल उठ जाए एकदम, लेकिन ऐसा नहीं है YouTube के अंदर। YouTube के अंदर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। हर नीश की मैं बात कर रहा हूं, आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो, वहां पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी आपको, नहीं तो आपका चैनल डेड हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऑडियंस चली जाएगी। अब मैं बता देता हूं आपको हमारा चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है कि डीमोटिवेशन। डीमोटिवेशन का जो ये जो वर्ड है ना, माइंड से निकाल देना है। बिकॉज अगर जो YouTube की लाइन में हो, आप YouTube पे वीडियो बना रहे हो, तो डीमोटिवेशन आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। वो मैं आपको बता देता हूं भाई, कोई भी हम काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, या हम कोई भी हम ट्रेडिंग करते हैं, या हम कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। हमें कुछ भी कोई भी हम काम करते हैं यूट्यूब से अलग भी, तो हम उस पर एकदम नहीं ग्रो कर पाते, धीरे धीरे ग्रो होते हैं। लेकिन कुछ लोग ग्रो होने से पहले ही डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार इसके अंदर अब ये करना पड़ेगा, इसमें कॉन्टेंट लिखना पड़ेगा, इसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी, इसमें थंबनेल बनाना पड़ेगा, इन सब चीज़ को सोच करके आप डीमोटिवेट हो जाते हो और आप चैनल पर रेगुलर नहीं रहते तो व्यूज नहीं आते, व्यूज नहीं आओगे तो आप ग्रो कैसे करोगे। दोस्तों, अगर आप YouTube पर आए हो तो कुछ सोच समझ कर ही आए होंगे, इसके अंदर आपको कंटिन्यू काम करना है। अब मैं आपको पांचवा पॉइंट बता देता हूँ, वो क्या है। आपको फेक सब्सक्राइबर्स, फेक वॉच टाइम और फेक व्यूज के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आपका चैनल जो चल रहा है उससे भी डेड हो जाएगा। अब क्यों नहीं लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जब उनको काफी समय हो जाता है यूट्यूब पे काम करते करते, वीडियोज बनाते बनाते, उनके पास व्यूज ही नहीं आ पाते, वो 100 वीडियो डालते हैं, 200 वीडियो डाल देते हैं, लेकिन व्यूज फिर भी वही रहते हैं, 10, 20, 50, 100। उसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ, उसका कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास जो ऑडियंस है, आपको वो कॉन्टेंट पसंद नहीं है, या आप अच्छा टाइटल नहीं लिख रहे हो, या आप अच्छा कॉन्टेंट अंदर प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, इस वजह से ही व्यूज नहीं आते, इस वजह से ही वॉच टाइम नहीं बढ़ता आपका। अगर आप अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड कराते हो
और अगर जो आपके 10 सब्सक्राइबर्स भी हैं तो आप ऑडियंस आपके पास जरूर आएगी। तो आप ये मत सोचो कि भाई मेरे पास व्यूज नहीं आ रहे, मेरे पास सब्सक्राइब नहीं आ रहे, तो हम फेक सब्सक्राइबर्स या पेज वॉच टाइम लेकर के अपना चैनल मोनेटाइज करा लेंगे, बाद में आप ही को प्रॉब्लम आएगी, उससे आपका चैनल डेड हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरे 5 पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ अच्छे लगे हैं तो एक बार मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताना कि भाई आप मुझसे सेटिस्फाई हो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।